गोवा में तिरंगा लहराया था पहली बार, उन कितने लोग बता सकते हैं उस ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन विजय। जबकि आपको लगता है ऑपरेशन विजय तो कारगिल के लिए था, हम सब झूठ बोल रहे हैं, दोनों के लिए था। इसके लिए था? दोनों के लिए। गोवा को तो भारत वाले ऐसे घेर लिए थे सब, वहां पुर्तगाली था सब, तो भारतीय भारत की नौसेना आगे से पूरा ब्लॉकेज लगा दी, मिसाइल विसाइल लगा के जहाज वहाज घेर ली, पीछे से थल सेना घेर ली, आगे से इधर से थल सेना, इधर से ऊपर से वायु सेना। कह रहे हैं भागेंगे किधर से रे? हमको कोई लड़ाई उड़ाई नहीं लड़ना है, बस हमारा ये बता दे भागेंगे किधर से, इस तरह कोई मारता है? नेहरू की कुछ नीतियां बहुत अच्छी थी और कुछ इतनी खराब नीतियां थी जिसका कोई हद नहीं, खास करके वो चाइना को लेके सॉफ्ट हो जाते थे। अब लोग चाइना को लेके सॉफ्ट, अरे पता नहीं क्यों, ये बड़ा डर क्या है इसको न लेना भाले यार। चाइना को देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिया, खुद हम लोग हमारे विदेश मंत्रालय बोल रहे हैं ऐसा होता रहता है, या ऐसा होते रहते केवल उधर से ही होगा ऐसा होता रहता है, इधर से भी तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमारे भी तो विदेश मंत्रालय से एक लिखना चाहिए कि बीजिंग के बाद चाइना खत्म, इस तरह का बेवकूफा बयान हमारे ओर से भी तो आना चाहिए। जैसे उधर से आता है कि अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं है, उस तरह हम भी कह सकते ना कि बीजिंग आपका नहीं है, छोट मोट चीज पे हमले मत करो, ऐसा करो किरकिरा जाए, बीजिंग है हमारा है।